नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम कुमार दुबे और आप देख रहे हैं पिंकी शिवम दुबे ऑफिशियल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे पिंकी शिवम दुबे ऑफिशियल के मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली हैं सब बहुत अच्छे होंगे। और आज देखिए, आज बहुत अच्छा मौसम है, धूप निकला हुआ है, तो आज बहुत ज़्यादा काम भी पड़ेगा मेरे को, क्योंकि कपड़ा वपड़ा धोना है और नहाना धोना जो है, तो इसलिए आज जल्दी जल्दी हम देखिए काम कर रहे हैं। और अभी यहाँ पर हम बनाए हुए हैं, वहाँ पर दाल बना हुआ है, दाल फ्राई किए हैं और यहाँ पर अभी हम रखे हुए हैं, चावल बन रहा है। और जब दाल चावल बन जाएगा तो पिंकी ऊपर छत पे बैठ करके साग को भी साफ करे, क्योंकि कल एक हमारे भाई कमेंट किए थे कि भाई दाल चावल साग अच्छा लगता है। तो आज हम लोगों ने सोचा कि चलो, बहुत अच्छा उन्होंने कमेंट किया, सचमुच मतलब दाल चावल साग अच्छा लगता है, ये बात सच है। और एक हमारे भैया हैं जो गोपालगंज फोकस के सोनू भैया हैं, आज वो आने वाले हमारे इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने सुबह में ही कॉल किया कि शिवम भाई हम आ रहे तुम्हारे इंटरव्यू के लिए, तो आप पिंकी मतलब रेडी हो जाइएगा, 12 बजे तक हम पहुँचेंगे। इसलिए आज हम लोग जल्दी जल्दी अपना काम कर रहे हैं, वो आएंगे तो हम लोग मतलब सबसे पहले सोच रहे हैं कि नहा धो के तैयार वार हो जाएंगे और उसके बाद से मतलब इनवाइट उनको दिया जाएगा। और क्या वाइट होगा आपको मतलब पिंकी शिवम दुबे ऑफिशियल का आज आपको देखने को मिलेगा। बस उम्मीद करता हूँ कि आप जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली सब हैं, आप हमें बस बहुत ज़्यादा प्यार दें और सपोर्ट दें। भाई और हमारे साथ शिवम पिंकी हैं और ये लोगों का प्यार प्रसंग का जो मामला है वो पूरे बिहार में हाईलाइट है। और सबसे पहले इन लोगों का, दोनों आदमी का हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप लोग का जिंदगी कट रहा है और क्या क्या परेशानी हो रही है शिवम पिंकी को? बहुत कठिन से जिंदगी कट रहा है। और क्या कठिनाई हो रहा है? कठिनाई ये है, अरे हम लोग बहुत बुरा वक्त में हम लोग गुजर रहे हैं। मतलब पैसा रुपया के नहीं है? नहीं, आप दे दीजिए ना थोड़ा, आप ही तो इसीलिए तो बोल रहे हैं, आप दे दीजिए, थोड़ा हेल्प कर दीजिए। अच्छा, क्या शिवम, क्या क्या दिक्कत हो रहा है अभी? दिक्कत क्या हो रहा है, बस यही है कि हाँ इसको मतलब कहीं छोड़ करके बाहर हम जॉब करने नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा, क्यों नहीं जा रहे, मतलब छोड़ के जाने में क्या परेशानी है आपको? अब अकेले इसको कैसे, स्वस्थ रहती अगर अपने से चल पाती तो आदमी निर्धार कहीं जा सकता है। अच्छा, अच्छा। अगर मैं जॉब करने चला जाऊँ, इसको कोई इमरजेंसी हो जाए तो फिर कैसे क्या करेगी? अच्छा, अब कहाँ कहाँ आप लोग घूमे हैं? भारत में बहुत टूरिंग किए हैं, कहाँ कहाँ घूमे हैं? लखनऊ गए हैं, लखनऊ से दिल्ली गए हैं, दिल्ली से बिहार आ गए हैं। तो लखनऊ आपकी कोई दीदी बुलाई थी? हाँ, मेरी मैत्री दीदी थी, वही बुलाई थी। फिर क्यों आपको मतलब वहाँ से आना पड़ा? ऐसा ही, वहाँ इनको जॉब अब नहीं मिल रहा था तो हम लोग वहाँ से दिल्ली चले गए, या दिल्ली से फिर हम लोग कोई जरूरी काम था तो हम लोग बिहार आ गए। अच्छा, दिल्ली में भी जॉब कर रहे थे? हाँ, दिल्ली में जॉब करते थे। अच्छा, दिल्ली में जॉब करते थे तो उस समय क्या क्या परेशानी होती थी आपको, जब ये जॉब पे 8 घंटे चले जाते थे? तो मैं अकेली रूम में रहती हूँ, मेरे मन नहीं लगता था, कुछ भी नहीं लगता था। आपको पता ही, अकेले इतना, जब मैं अपने घर पे थी तो सारा फैमिली मेरे साथ में रहते थे, अब अकेली अकेली आप एक रूम में कोई रख दे तो आपको मन लगेगा, आप बताइए, तो इसलिए मुझे वहाँ पे मन नहीं लगता था। अच्छा, एक बात, आप शिवम क्या जॉब करते थे वहाँ पे? वेल्डिंग का काम करता था। वेल्डिंग के कितना देर का वक्त होता था जब आप काम करते थे, मतलब 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा? 8 घंटा करने का कहा, 9 बजे आता था, 8 घंटा होता था तभी अंदर मतलब नहीं टेंशन होने लगता था, पिंकी अकेले रूम पे थी। तो आप फिर जॉब से आते थे, फिर आपको खाना भी बनाना पड़ता होगा? हाँ हाँ, सुबह 4 बजे उठता था, 5 बजे तक बना उना के खाओ के 6 बजे सुबह निकल जाता था, फिर आता था 5:30 5:30 6 बज जाता था, उसके बाद से बना उना के खा के सोने में 12 बज जाता था। पिंकी मतलब यही खाना बना के खिलाते थे आपको? तो आपको पता ही है, जब शादी किए हैं तब से यही खाना वाना बनाए हैं, खिलाए हैं, तो आप काहे लिए पूछ रहे हैं, शुरू से आपको पता ही है। मतलब सब कुछ सब आप ही को करना पड़ता है? नहीं, खाली खाना वाना बनाना पड़ता है, अपना काम तो ये अपने से कर लेती है। जी जी। और अभी बिहार में चले आए हैं, यहाँ पे तो कोई परेशानी नहीं आपको? रूम मिल गया बढ़िया से आपको? हाँ, रूम मिल गया है। मकान मालिक से कोई दिक्कत तो परेशानी तो नहीं करते हैं? वो काहे लिए करें, उनको पैसा से मतलब है, अपना भाड़ा से उनको मतलब, वो क्या बोलेंगे। अच्छा, कितना भाड़ा आप लोगों का रखता है रूम? कितना भाड़ा दिया था? 1500 भाड़ा लगता है। अच्छा, आने वाले समय में जब आपका बच्चा हो जाएगा और भगवान करे कि वो स्वस्थ बच्चा हो, तो फिर उसके लिए आप लोगों ने क्या क्या सोचा है? अभी हो जाएगा तो देखेंगे, सोचे हैं हम उसके लिए, उसके लिए बहुत सोचे हैं, उसके लिए हम कुछ करेंगे, उसके लिए चाहे उसको हम कुछ बनाएंगे। मतलब उसको पढ़ाइएगा लिखाइएगा तो फिर मतलब आप लोग का मतलब जीवन प्रवरिश कैसे होगा, कैसे आप लोग का लाइफ चलेगा? जैसे चल रहा है उसे चल रहा है आगे, ऐसे बात नहीं है जैसे चल रहे तो हम जानते कि जो भी हमारा मतलब दिक्कत है इसी महीना तक है, फरवरी के बाद से ये सब दिक्कत नहीं होगा। फरवरी के बाद से क्या करने वाले हैं? फरवरी के बाद से अपना एक गाड़ी डाउन पेमेंट पे निकलवाने वाला हूँ और यहीं पे भाटा मोड़ पे ये फ्लिपकार्ट वाला पार्सल वाला काम करना है। अच्छा, मतलब फ्लिपकार्ट वाला काम करेंगे पार्सल ढोने का? जी।
और आप लोग अगर चैनल पे लोग प्यार आशीर्वाद देते हैं तो क्या करिएगा आप लोग? तो नहीं लोग चैनल पे हमारे प्यार आशीर्वाद देते हैं, मगर अभी हमारे 3 महीने से पेमेंट आ नहीं रहा, क्योंकि पहले पिंकी का मम्मी का अकाउंट था उसमें ऐड, और जो एडेंस में पैन कार्ड से वेरीफाई होता है, और वही इसके मम्मी के नाम से ही था पैन कार्ड, और अकाउंट में इसके नाम से लगा दिया था, इसलिए पेमेंट हमारा फंस चुका था, और वो बोला 30 तारीख तक मतलब रिटर्न चला जाएगा आपके एडेंस में। अच्छा, पिंकी के साथ रहने में आपको जेलस फील तो नहीं होता, मतलब इनके साथ रहने में आपको अच्छा लगता है या खराब लगता है? अच्छा लगता है पिंकी के साथ। हाँ, इसके बिना तो मेरे को नींद ही नहीं लगता है। अच्छा, तो बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग मतलब आप कमेंट भी पढ़ते होंगे कि शिवम एक हीरो की तरह है और पिंकी दिव्यांग है, कैसे ये लोग का मतलब प्यार है टिकेगा नहीं? वो जो लोग कमेंट करते हैं वो मतलब अपने नजर से देखते हैं, उनके नजर से पिंकी दिव्यांग होगी, मगर हमारे नजर में पिंकी दिव्यांग नहीं है। अच्छा, कौन सा भगवान की पूजा की थी कि आपको शिवम जैसा पति मिला? हम भगवान की पूजा किए नहीं आज तक ले। कौनों को शंकर भगवान के जल चढ़ाई होंगे ना, तभी ना इतना सुंदर बर पाई है। जब मेरे पैर ही नहीं, तुम जल कहाँ से चढ़ावाएंगे? घर पे पूजा पाठ नहीं करती थी? नहीं करती थी, मैं खाली खाती थी, पीती थी, आइस करती थी। आप पंडित जी हैं तो ये भी पंडित जी हैं, तो पूजा पंडित जी लोग का करना धर्म है ना जी? तो आप क्या है, पंडित जी नहीं है? तो हम है तो हम पूजा करते करते हैं। हाँ तो बस। अरे तो बोल, पूजा हाँ करते थे। अच्छा, एक शिवम, चलिए कितना मिनट हो गए? आप मेरे वीडियो में देखे थे ना, मैं नवरात्र में मैं पूजा की थी, मैं पूजा करती हूँ। नवरात्र पूजा की थी? आपको पता है कि मैं पूजा करती हूँ, हर सावन के सुमारी में करती थी और नवरात्र भी करती थी, ये मुझे करने नहीं देते थे, बोलते जो मत करो। अच्छा, कहीं ना कहीं शंकर भगवान इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए कि ऐसा सुंदर सुशील पति आपको दे दिए ना? क्यों नहीं, सही बात है। तो शंकर भगवान को मतलब आप पे दया आ गया ना? हाँ, आप भी पूजा कीजिए, आपकी वाइफ भी अच्छा मिलेगी, सुंदर स्मार्ट मिलेगी। चलिए, आप क्या कहिएगा शिवम? क्या कहेंगे, आने वाले समय में मतलब ऐसा नहीं ना है कि आप दूसरा शादी करेंगे? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पिंकी करा दे तो? नहीं, कर ही नहीं सकते। पिंकी, तुम चाहोगी कि शिवम मतलब दूसरा शादी करे? मैं कायली चाहूंगी, पर इनका मन होगा तो ये कर सकते हैं। तुम्हें कोई टोर्चर है, कोई परेशानी तो नहीं करते है ना? के शिवम, ये मुझे काहे टोर्चर परेशानी करेंगे? तुम्हें टोर्चर करती हो? मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं क्या ले करूंगी, मैं तो करूंगी तो मुझे मार डालेंगे टोर्चर मैं करूंगी तो। अच्छा, जब से आई हो तब से इनके जिंदगी में काफी सुधार हुआ है, और ये जो भी पहले इनके जो गलत आदतें थी वो सब छूट गया है? हाँ बिल्कुल छूट गया है ना, मन से बोल रही हो? हाँ छूट गया है। अच्छा, चलो जाते जाते जो बिहार के दर्शक है, आप लोग को देख रहे हैं, आपके चैनल को देख रहे हैं, जो प्यार आशीर्वाद कम दे रहे हैं, उन लोगों को क्या कहिएगा? देखिए, जितने भी हमारे भाई हमारे पिंकी शिवम जो ऑफिशियल को देख रहे हैं और जितना हम सपोर्ट करते हैं, उन लोग का मतलब दिल से धन्यवाद, और आप लोग का सपोर्ट हमें ऐसे ही चाहिए, आप लोग बस हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहे कि आने वाले समय में हमारा कुछ जिंदगी सुधर जाए। क्या कहिएगा